समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार को लेकर काफी गुस्से में हैं। अखिलेश यादव बोले कि भाजपा सरकार ने नौकरियों में घोटाला किया है। हाईकोर्ट में खुलासा हुआ कि कापियां तक बदल दी गई। ये अपने लोगों को नौकरियों में एडजस्ट करने के लिए घोटाला करते हैं। सैफई मेडिकल कॉलेज में एक ही कोचिंग के बच्चों को बड़े पैमाने पर नौकरी कैसे मिल गई? सैफई के साथ लखनऊ के अन्य मेडिकल संस्थानों में भी यही हुआ है। बुधवार को सैफई में संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियों में आरक्षण नहीं देना चाहती है, इसलिए भर्तियों में घपले और घोटाले करती है। ये पिछड़े दलितों और पीड़ित परिवार को साजिश के तहत नौकरियों से दूर रखने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के जो बच्चे वहाँ नौकरी पाए हैं उनसे क्या वसूला गया है या उनके कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्हें सैफई के मेडिकल यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल गई? जब इतनी बड़ा सवाल आपने पूछा है तो मैं जानता हूँ तुम बहुत खोजी और बहादुर पत्रकार हो। सैफई बहुत दूर नहीं है, वहाँ जरूर जाओगे और ये जानकारी करोगे कि क्या वजह है कि सैफई मेडिकल कॉलेज उसमें कुछ एक ही कोचिंग की इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सैफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आरक्षण नहीं देना चाहते। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित और पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चीन और देश की सीमाओं को लेकर सरकार को सावधान रहना चाहिए था और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए था नहीं किया। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी और जानकारी मिलनी चाहिए, उसमें इंटेलिजेंस फेलियर है। इसके कारण हमारी आंतरिक और बॉर्डर की सुरक्षा खतरे में है। चीन के सवाल पर सरकार झूठ बोलती है। सुनने में आ रहा है कि काफी जमीन कब्जा हो गई है। फोर्स को पर्याप्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ पर्याप्त जो जानकारी मिलनी चाहिए जिनके इंटेलिजेंस फेलियर है, उसकी वजह से न केवल हमारी इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में है बल्कि हमारी बॉर्डर की भी सिक्योरिटी खतरे में है। और चीन के सवाल पर सरकार कुछ बोलती नहीं है। सुनने में आ रहा है, अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि बड़े पैमाने पर जमीन कब्जा हो गई है उधर। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता से हर मुद्दे पर झूठ बोला है। स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, नगरों का बुरा हाल है, सड़कों में गड्ढे हैं, जल भराव है, गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है, गाड़ियां चल नहीं पा रही है, लोगों की जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं बेकार हो गई है, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है, बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसे नौकरी की तलाश है। भाजपा सरकार पूरी तरह झूठ पर चल रही है। सरकार के लोग जमीनी हकीकत से दूर है। महंगाई के लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इनके लोग खूब मुनाफा कमा रहे हैं और किसान को उसकी फसल की कीमत नहीं मिल रही है। इन लोगों ने ये कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उनके स्मार्ट सिटी देख लिए, हर जगह जल भराव है, गंदगी है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मोटरसाइकिल गड्ढों में चली जा रही है, गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट हो रही, जान जा रही है, और इसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं भी उसी तरीके से बिगाड़ हो गई, बिल्कुल स्वास्थ्य सेवाएं ठप है। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और जब कार्रवाई की है सरकार ने तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था वो सरकार ने नहीं किया।